नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। यूपीआई ट्रांजेक्शन न घबराए, नहीं लगेगा चार्ज। यूपीआई ट्रांजेक्शन पाए आदेश की हर बात समझिए। यूपीआई ट्रांजेक्शन से लेन देन का असर आप पर नहीं पड़ेगा। बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन पूरी तरह से फ्री है। बदलाव सिर्फ वॉलेट ट्रांजेक्शन को लेकर हो सकता है। NPCI ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट कहा है कि इस बदलाव का कोई असर ग्राहकों पर नहीं होगा। ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खातों से जुड़े UPI लेन देन पर कोई असर नहीं लगेगा। वह पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त है। केवल PPI वॉलेट पर शुल्क होगा जो मर्चेंट को देना होगा। ग्राहकों के लिए इस पर कोई शुल्क नहीं है, यह चार्ज मर्चेंट को देना होगा। यहाँ मर्चेंट का मतलब आप आसान भाषा में उस दुकानदार को समझें जिसे आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप भी कन्फ्यूजन में हैं तो उसे समझें। इंटरचेंज चार्ज पेमेंट सेवा प्रदाता की ओर से वॉलेट जारी करता जैसे कि ग्राहकों को दिया जाता है। यह वॉलेट खास तौर पर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसे ऑनलाइन भुगतान पर साधक है। यहाँ खबर को अगर एक लाइन में समझे तो आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको वॉलेट से भी ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह पूरी तरह से बैंक और दुकानदार मर्चेंट के बीच का मामला है। UPI ने आप पर पेमेंट करते हैं तो आपको भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप वॉलेट से भी करते हैं तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्ज दुकानदार जिसके स्कैनर पर आपने पेमेंट किया है उसके और उसके बैंक के बीच का मामला है। दुकानदार मर्चेंट के लिए 1 अप्रैल से ये महंगा हो जाएगा। UPI QR के जरिए जब पैसे दुकानदार के बैंक खाते में जाएंगे उसी क्रम में उस रकम पर 1.1% का इंटरचेंज चार्ज उसे देना होगा। आपने समझा किस प्रकार लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं, उनको दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, AST न्यूज़ मनोज प्रजापति के साथ